जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं, दीर्घ संधि यानी कि ह्रस्व या दीर्घ अ आ इ ई या उ उ के बाद कोई भी समान स्वर आता है तो वो दीर्घ हो जाता है, यानी कि चार प्रकार की स्थितियां बनेंगी। जैसे कि अगर हम अ को ले लें तो अ प्लस अ इक्वल टू आ बनेगा, या आ प्लस अ इक्वल टू आ, और अ प्लस आ इक्वल टू आ, और आ प्लस आ इक्वल टू आ, यानी कि चार प्रकार से हमारी स्थितियां बनेंगी। अगर हम ध्यान से देखें कि स्वर संधि यानी कि जब ह्रस्व या दीर्घ अ आ इ ई या उ ऊ के साथ समान स्वर आएगा तो वो दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, जैसे अ ह्रस्व स्वर है, आ दीर्घ स्वर है, तो जब इनका आपस में मेल होगा तो वो दीर्घ बनेंगे। अभी आपके सामने कुछ उदाहरण ले रही हूं। परमार्थ एक शब्द है, अगर इसको हम संधि विक्षेद करेंगे तो परम प्लस अर्थ। अब जिस तरीके से अभी आपको बताया था कि किस तरीके से हम इनके अलग अलग वर्ण करके और किस तरीके से हम उसका मेल करेंगे, तो ध्यान दें परम को जब हम हलंत लगाकर इसमें से अ निकालेंगे, प्लस इधर से अ लिया और ये बचा, तो यहां पर स्टेज बनी अ प्लस अ, यानी यहां पर ये हो जाएगा आ, और शब्द कैसे बन जाएगा परम। अब इस म में जब ये आ लगाएंगे तो ये हो जाएगा परमा, और ये बचा हुआ जो हम लिखेंगे तो ये बन जाएगा परमार्थ। इस तरीके से हमने देखा कि परम प्लस अर्थ में से अ लेने पर और यहां से ये अ लेने पर दोनों का आ हो गया, यानी कि ये दीर्घ संधि है जो हमने यहां पर प्रयोग किया, अ प्लस अ इक्वल टू आ यहां पर हो गया, और इस तरीके से शब्द बना परमार्थ। दूसरा एक शब्द ले लेते हैं देवालय, तो संधि विक्षेद करेंगे तो देव प्लस आलय। अब देव में जब हम हलंत लगा देंगे व में तो यहां से हमें अ स्वर मिलेगा, और दूसरे वाले का हमने आ लिया और यहां पर ये शेष बचा हुआ लिख दिया। अब हमारी स्टेज आ रही है कि अ प्लस ये आ, ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे आ, और शब्द बन जाएगा हमारा देव, जो व था उसमें आ की मात्रा लगाएंगे तो देवा लय। इस तरीके से ये देव प्लस आलय से देवालय शब्द बना। ध्यान रखेंगे जब हमें संधि करनी है तो देवालय शब्द बना। अगर मान लीजिए हमें देवालय शब्द दिया हुआ है, उसको हमने विच्छेद करना है तो कैसे करें? ध्यान रखिए किसी भी शब्द की विच्छेद करते समय यानी संधि विच्छेद करते समय हम सेंटर से यानी कि बीच से उसे तोड़ें, लेकिन बीच से तोड़ते समय ये हमें ध्यान रखना है कि जो भी शब्द हम बनाएं वो सार्थक शब्द हों, क्योंकि सार्थक शब्द नहीं होंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं होगा। यहाँ पर ही देख लें, परम प्लस अर्थ हमने दो शब्द बनाए हैं, परम जो अच्छा है, सुंदर है, ऊंचा है, वो परम है, और अर्थ शब्द के अर्थ को आप जानते हो, अर्थ उसका मीनिंग जो भी है। यहाँ पर देव, देव देवताओं के लिए प्रयोग होता है, आलय मीन्स घर, देवालय देवों का घर, देवालय मंदिर को कहा जाता है क्योंकि वहां पर बहुत सारे देवों की प्रतिमाएं होती हैं। तो जब हम विक्षेद करें तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो शब्द हमने बनाने हैं वो उन शब्दों के उनका अर्थ पूर्ण होना चाहिए, यानी कि वो अनर्थक शब्द नहीं होने चाहिए, उनका अर्थ निकलना चाहिए, और उन पर जो संधियों के नियम हैं वो लागू होने चाहिए। और भी हम एक दो एग्जाम्पल्स या उदाहरण यहाँ पर हम ले लेते हैं। यहाँ पर हम दो उदाहरण और ले रहे हैं, आ से ह्रस्व और दीर्घ आ को ले लेते हैं, रेखा प्लस अंकित। या रेखा शब्द को जब हम रेखा इसको डैश लगा देंगे तो यहाँ से हमें आ स्वर मिलेगा, और दूसरे वाले में से अ लेंगे और बचेगा इस तरीके से आ प्लस आ, ये मिलकर के दोनों आ बन जाएंगे और हमारा शब्द बन जाएगा रेखा, यानी इस खा में जब आ की मात्रा लगाएंगे तो रेखा, और ये जो अंकित रेखांकित ये जो शब्द है वो बन जाएगा परम प्लस आनंद। अब यहाँ परम में जब हम डैश लगा देंगे यहाँ पर तो यहाँ से हमें मिलेगा परम प्लस अ प्लस आ और प्लस आनंद, यानी कि अ प्लस आ यहां पर मिलकर बन जाएंगे आ, और शब्द बन जाएगा परमानंद।
तो इस तरीके से आपने देखा कि ह्रस्व या दीर्घ, अ या आ का मेल जब समान स्वर से हो रहा है तो वो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाएंगे। यहाँ पर कुछ उदाहरण आपको दिए। इसी प्रकार ह्रस्व या दीर्घ इ ई के साथ जब समान स्वर का मेल होता है तो वो भी दीर्घ हो जाते हैं, और उ उ के साथ मेल होने पर वो भी दीर्घ हो जाता है। तो और उदाहरण हम थोड़े से ले लेते हैं, ए और उ के उदाहरण ले लेते हैं।